हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र, योर फिजिक्स टीचर। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में आज हम चैप्टर 5 रिजरेखीय पथ पर गति के नेक्स्ट टॉपिक त्वरण पर चर्चा करेंगे। टॉपिक को जानने से पहले हम एक बार ये चीज़ रिवाइज कर लें कि हम पीछे जो है हमारा वेग, चाल, विस्थापन, दूरी, इस सब के बारे में हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब इसको एक बार से हम रिवाइज कर लें तो होता क्या है त्वरण। त्वरण का संबंध हमारा वेग परिवर्तन से है। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही वस्तु का त्वरण कहते हैं, अर्थात एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु यह वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष व्यक्त किया जाए या दूरी के सापेक्ष, यह समस्या काफ़ी पुरानी है। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, और गैलीलियो ने सोचा कि वेग में हो रहे इस परिवर्तन की दर को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जाए, पर उन्होंने मुक्त रूप से गिरती हुई एवं आनत समतल पर वस्तुओं की गति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि त्वरण को समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में व्यक्त करना अधिक तर्कपूर्ण है। अर्थात किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर इसको हम फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जहां ए क्या है, आपका त्वरण है, डेल्टा वी आपका वेग परिवर्तन है, डेल्टा टी आपका समय अंतराल है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है जो वेग परिवर्तन की ही होती है, और इसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की होती है। अब यहाँ पे है, अब एक दूसरा टर्म आता है एक समान तथा परिवर्ती त्वरण। यदि समान समय अंतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। इसके विपरीत यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो त्वरण परिवर्ती अथवा असमान त्वरण कहलाता है। गुरुत्व के अधीन गति करते पिंड में पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण का उदाहरण है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक होता है औसत त्वरण। औसत का मतलब एवरेज। यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण के अधीन गतिमान है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात उस वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। अगर इसको हम गणित के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो बार का या नीचे लिख दें ए सफिक्स में ए वी। ए वी का मतलब एवरेज या औसत। तो ए ए वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, अर्थात ए ए वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। यहाँ पर टी वन व टी टू छड़ों पर वस्तु के वेग क्रमशः वी वन व वी टू हैं। अब इसी से रिलेटेड त्वरण का है एक छोटा सा और टॉपिक है, तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण। यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो, अर्थात डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो इस दौरान वस्तु का त्वरण उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अर्थात किसी त्वरित कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर को उसका तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण कहलाते हैं। अब इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो वेक्टर डेल वी अपॉन डेल टी, इसको हम डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर वी, दैट इज डी बाई डी टी इन टू डी एक्स बाई डी टी। तो ए इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर।